नगरस तहसील के डोलम्बा शंकर नगर गांव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। लड़की को घर में अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ गौरसेना ने रास्ते पर उतरकर इस घटना का निषेध किया है। सूत्रों के अनुसार बीते 11 अगस्त को पीड़ित लड़की घर पर अकेली थी। ऐसे में आरोपी किरण पांडुरंग उकंडे ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़की के साथ अश्लील हरकतें शुरू की। ऐसे में लड़की ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने वहां आकर उस लड़की को आरोपी के चंगुल से बचाया। इस घटना के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने आनी पुलिस थाने के थानेदार केशव ठाकरे को शिकायत की, जिसके बाद आनी पुलिस थाने में आरोपी किरण उकंडे के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 452 पॉक्सो आदि के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 11 अगस्त को भले ही मामला दर्ज हुआ हो, लेकिन 15 अगस्त तक आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया था, जिसके चलते इस घटना के खिलाफ रास्ते पर उतरी गौरसेना संगठन के जिला अध्यक्ष ने रोष व्यक्त करते हुए आगामी 20 अगस्त को तहसील कार्यालय दिग्रस आर्नी पुलिस स्टेशन सहित दारवा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने का मन बना लिया था। इस संबंध में संबंधित कार्यालयों को ज्ञापन भी सौंपा गया। मी गोरसेना जिल्हाध्यक्ष किशोर पालत्या मागील 11 तारखेला 11/8/2023 रोजी शंकरनगर डोळंबा येथील जो किरण पांडुरंग उखंडे आहे हा नराधमाने एका कोवळ्या वयाच्या एका 14 वर्षाच्या मुलीवर घरातनी जाऊन अन्याय अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला, बळजबरीने केलं त्यानं। आणि अशा नराधमाला पुलिस स्टेशन मध्ये गेल्यानंतर त्या नराधमावर 354 452 पोस्को सारख्या केसेस लागल्यानंतर सुद्धा तो नराधम फरार आहे। आतापर्यंत त्या नराधमाला अटक झालेली नाही आहे। आम्ही या शासन आणि पुलिस प्रशासनाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना सांगू इच्छितो की त्या नराधमाला लवकरात लवकर पकडण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा गोरसेनेकडून आम्ही येणाऱ्या 20 तारखेला दारवा दिग्रस आर्णीमध्ये रास्ता रोको आंदोलन करणार हे ग्वाही देतो। बहरहाल इस घटना के बाद पीड़ित लड़की के न्याय के समर्थन में उतरे संगठनों और ग्रामीण के रोष को देखते हुए हरकत में आई पुलिस द्वारा इस घटना के आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। मिशन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।